एटीएम कार्ड मशीन के अंदर डालने के बाद डोमेस्टिक पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद इंग्लिश ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद पिन जनरेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आप अपने अकाउंट नंबर भर लीजिए, ध्यान से देखिए अकाउंट नंबर भर लीजिए। अकाउंट नंबर भरने के बाद फ्रेश इफ कार्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भर लीजिए, मोबाइल नंबर ध्यान से भरिए। भरने के बाद दोस्तों आपको फिर से फ्रेश इफ कार्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देखिए दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पे एक पिन नंबर मिला होगा, आप एटीएम कार्ड को निकाल लीजिए। फिर से आपको एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर डालना पड़ेगा। डालने के बाद डोमेस्टिक पे क्लिक कर लीजिए, इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिए। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैंकिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। पिन चेंज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 10 से 99 के बीच कोई दो अंक मारना पड़ेगा, कोई भी दो अंक। उसके बाद यस पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों अभी यहाँ पे आपको फोन पे जो पिन नंबर मिला होगा उस पिन नंबर को डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपना मन मर्जी पिन नंबर डाल दीजिए, 4 डिजिट जो भी बनाना है।